मुझे शुरुआत से नहीं था कि ये जाना है, ये दिमाग में कहीं था कि किया सकता है, फिर बाद में थोड़ा जब एक्सपीरियंस वगैरह काम वगैरह की, ये कहाँ से मोटिवेशन कहाँ से मिला है? मोटिवेशन ऐसा था कि बहुत लॉजिकली मतलब ऐसा पहुंचे, डिसाइड किया कि सिविल सर्विस करना है, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में काम किया था, स्टार्टअप्स वगैरह में भी किया था अच्छा और अच्छा इंडिया के बाहर, तो उसमें काम करके दौरान ये रियलाइज़ हुआ कि एक तो मुझे इंडिया में काम करना है, क्योंकि मैं मतलब बाहर रह के काफ़ी इंडिया को कर रहा था मिस, और दूसरा ये था कि ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आपने। ये फॉरेस्ट सर्विस में भी हुआ था हाँ शायद? वही फॉरेस्ट सर्विस में लास्ट ईयर हुआ था, सेकंड रैंक अब तो कोई हिंदुस्तान में तो कोई एग्जाम को था बच्चा नहीं उसमें। है कि आप उसको क्लियर नहीं किया हुआ आपने। तीनों ऑल इंडिया सर्विस है, तीनों में नहीं ही नहीं काम है। बहुत अच्छे पेरेंट्स ने आपको, बहुत अच्छी बोलिए। मेरा शुरू से ही थोड़ा सा सोशल सर्विस की तरफ इंक्लिनेशन था, लेकिन 2 साल काम करने के बाद और मैं इंडिया के बाहर काम कर रहा था, मैंने बैंक में फिर स्टार्टअप में काम किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो प्लेटफॉर्म आपको सिविल सर्विसेज में मिलता है वो प्लेटफॉर्म आपको प्राइवेट सेक्टर में कभी मिल नहीं सकता। आप एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के कर्ता धर्ता होते हैं, आपको एजुकेशन से लेके हेल्थ, एनवायरनमेंट, एनर्जी, जेंडर इश्यूज, बच्चों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ काम करने का जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो IAS या IPS या फॉरेस्ट सर्विसेज, ये ऐसी ही सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो कि और कोई सर्विस दे नहीं सकती, तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके लिए तैयारी करूंगा। 2 साल बाद जब मैंने ग्रेजुएशन करी 2012 में, उसके 2 साल बाद फिर मैंने डिसीजन लिया और फिर तैयारी शुरू करी। आप भारतीय पुलिस सेवा में भी आपका चयन हुआ और आप ट्रेनिंग में हैं, तो वहाँ रहते हुए आपने तैयारी की और फिर आपका नंबर आया ऐसे कि? देखिए हाँ, वहाँ मैं दिसंबर में गया था, और दिसंबर में जाने से पहले मैंने अपना जो सिविल सर्विस सेवा का जो जो 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो मैं मेंस लिख चुका था। वहाँ जाने के बाद मेरा 20 फरवरी को ही 20 फरवरी 2018 को ही इंटरव्यू का कॉल आया UPSC में, तो फिर मैंने वही 2 महीना वहाँ पे बैठ के आपके अखबार पढ़ के और अपने जो वहाँ पे जो बाकी जो प्रशिक्षु आए हुए थे उनसे डिस्कस करके अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करी, क्योंकि इंटरव्यू का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। इंटरव्यू में आपके मार्क्स अगर अच्छे ना हो तो सिलेक्शन ना हो, तो फिर वहाँ बैठ के उनके साथ तैयारी करी और उसी तरह से फिर फाइनली आप सिलेक्शन हुआ। पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा का चयन करेंगे या प्रशासनिक सेवा में, दोनों में से किस में? मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का चयन करूँगा, हाल फिलहाल तो यही सोचा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली एक पुलिस में मेरा 5-6 महीने का एक्सपीरियंस भी हो गया है, और जिस तरह का मेरा एप्टीट्यूड है, जिस तरह का मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, और जिस तरह की डाइवर्सिटी प्रशासनिक सेवा में है, वो मुझे थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो मैं प्रशासनिक सेवा का चयन करूँगा। ट्रेनिंग के दौरान कोई विशेष वाक्य आपके साथ हुआ हो? देखिए, ट्रेनिंग पुलिस सेवा की जो ट्रेनिंग है वो वाकई में बहुत ही गजब ट्रेनिंग होती है, उसकी जैसी ट्रेनिंग शायद मिलिट्री में भी नहीं होती, क्योंकि पुलिस सेवा में आपको बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ इंडोर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, सारे कानून कायदे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, तो इंडोर सुख होता ही है, लेकिन जो असली मज़ा है वो एक्चुअली आउटडोर्स जिसको हम कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में, तो जैसे हमें मसूरी ले जाया गया था वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग के लिए ITBP के साथ, तो आपको तकरीबन 40 मीटर का जो सीधा रॉक फेस है, परपेंडिकुलर जो आपका रॉक फेस है वो चढ़ना था रस्सी के सहारे, तो वो एक बहुत ही गजब एक्सपीरियंस था। इसी तरह से फिर एक 80 मीटर का बंजी जंपिंग जो होता है, तो आपका हाइट्स का डर खुलने के लिए और मन से डर को निकालने के लिए, वो भी ट्रेनिंग एक्टिविटी का एक पार्ट था, तो ये जो कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं ये काफ़ी सही अच्छे रहे हैं। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से रहा है परेड करने का, काफ़ी लोगों को परेड अच्छी नहीं लगती है आज की डेट में, लेकिन जब पहली बार हमने कॉलम में, तीनों तीन के कॉलम में, और जिस तरह से परेड डायरेक्टर्स परेड हमारी होती है जब वो करी थी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था कि हमेशा 26 जनवरी को देखते हैं कि राजपथ पे लोग परेड कर रहे हैं, लगता है बड़ा आसान है करना, और जब आप खुद करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि कितना मुश्किल है, कोऑर्डिनेशन कितना डिफिकल्ट रहता है, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सफलता का श्रेय किसे देंगे आप?
देखिए सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को सबसे ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि अगर ये लोग सपोर्टिव नहीं रहे, आपका एनवायरनमेंट अगर सपोर्टिव फ्रेंडलियर नहीं मिलता है, तो आप तैयारी शांत मन से कर नहीं सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा श्रेय इन्हीं को देता हूँ। और फिर मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में जो दूसरों की ब्लेसिंग्स और दूसरों की जो दुआएं हैं वो बड़ी महत्व रखती हैं। मेहनत आपको एक हद तक ले जा सकती है, लेकिन उसके बाद जितना कंपटीशन है, तो अगर आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो ज़्यादा आपका रैंक कितना आएगा कुछ कह नहीं सकते। तो मुझे लगता है इसका संदर्भ में भी जो मेरे परिवार और जो मेरे बुजुर्ग वगैरह हैं, जो उनके आशीर्वाद और दुआएं हैं, वो थोड़ी साथ मेरा दिया है। युवाओं को क्या मैसेज देंगे आज का युवा सोशल मीडिया में घुमा हुआ? युवाओं को मैं मैसेज दूंगा कि आप थोड़ा पॉजिटिव सोचिए। सबसे पहली बात तो अपनी सोच को थोड़ा सा सकारात्मक रखिए। हर चीज़ को नकारात्मक तरीके से और हर चीज़ को अपने एक कटघरे में, जैसे कि किसी जाति या रिलीजन या किसी स्टेट के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से हर तरीके चीज़ को देखना चाहिए। और जो मीडिया का थोड़ा सा कभी ये रहता है कि वो थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ लोगों को लगता है कि वो दिखाता है, लेकिन आपको उसमें भी एक पॉजिटिव कुछ एक चीज़ देखने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि देश का बुरा हो रहा है। देश, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप पॉजिटिव चीज़ें करेंगे, तो अपने आप देश का भी भला होगा और आपके मन में भी थोड़ी सी शांति रहेगी। मन भी थोड़ा सा शांति से रहेगा। तो मुझे लगता है आप पॉजिटिव सोच रखिए, बाकी तो सब अपने अपने फील्ड में अच्छा कर ही रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा अब कोई अगर आपको ऑफर करता है तो आप जाएंगे या भारत में रहकर देश की सेवा करेंगे? नहीं, अब तो मैं भारत में रह के ही देश की सेवा करूंगा। मैंने जाना होता तो जब मेरा एक्चुअली ये चौथा अटेम्प्ट था, तो अगर पहले दो अटेम्प्ट में जब सक्सेस नहीं मिली मैं तभी चला जाता। अब तो डिसाइडेड है कि मुझे यहीं रह के, इनफैक्ट अपनी कर्मभूमि में ही काम करना है। ज्वाइनिंग के बाद आपका पहला लक्ष्य क्या रहेगा कि आप क्या करें? देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कहना इस समय, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ आती है और वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरा लक्ष्य बस ये रहेगा कि जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा मेरे को काम सौंपा गया है, उसको मैं ईमानदारी से कर पाऊँ। इसके ज़्यादा अभी कुछ कहना मुझे लगता है सही भी नहीं होगा, क्योंकि अभी पता भी नहीं है पोस्टिंग आएगी कहाँ। अपना काम आप ईमानदारी से करिए। मुझे लगता है अगर हर ब्यूरोक्रेट उतना कर ले उतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।